प्राकृतिक गर्भधारण काफी सरल होने के बावजूद उपयुक्त क्यों नहीं है और इसकी जगह कृत्रिम गर्भधारण अपनाने से क्या फायदा मिलता है एवं कृत्रिम तरीके से गर्भित करवाने की प्रक्रिया क्या है, आइए जानते हैं। सांड से गर्भाधान आज के समय में सुरक्षित नहीं माना जाता है क्योंकि प्राकृतिक इंसिमेशन के दौरान कई प्रकार के संक्रमण एवं बीमारियां गाय के गर्भाशय में लगने का खतरा रहता है जिससे गाय की कई नस्लें प्रभावित हो सकती हैं। कृत्रिम गर्भाधान को अपनाने के कारण ही आजकल पशुओं में यौन संक्रमण से होने वाली बीमारियों की संख्या में कमी ला पाना संभव हो सका है। गाय में कृत्रिम गर्भाधान करवाने के लिए आप अपने ब्लॉक के वेटरनरी अस्पताल जाकर मदद ले सकते हैं। अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से मिलकर भी आप कृत्रिम गर्भाधान कराने वाले एजेंट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो आपके घर आकर गाय को कृत्रिम रूप से गर्भित करवाएंगे। जिन्होंने कभी भी कृत्रिम गर्भाधान कराते हुए नहीं देखा हो, खास उनके लिए बता दें कि कृत्रिम गर्भित कराने के लिए एक खास औजार की जरूरत पड़ती है जिसके माध्यम से बड़ी सावधानी से गाय के गर्भाशय में वीर्य को प्रवेश कराया जाता है। आपको बता दें कि लिक्विड नाइट्रोजन टैंक से स्ट्रॉ निकालने के बाद उसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले पानी में आधा मिनट तक डुबाकर रखते हैं, फिर टिश्यू पेपर से उसे अच्छी तरह से पोंछकर गन में लोड करते हैं और फिर गाय को इंसेमिनेट करते हैं। ये सारी प्रक्रिया 5 मिनट में ही पूरी हो जानी चाहिए क्योंकि इससे अधिक समय लगने पर वीर्य की गुणवत्ता प्रभावित होती है, यानी इस कृत्रिम वीर्य से गर्भ धारण की संभावनाएं कम होने लगती हैं।